दिन में तो आगे छोरो से मारिए दाणो को नि करे खान ने बंद रोवा के तरह जाने वोट मांगना तो सोट की जांगा टेरड़े के जीने रोवा के करा बेचारा टाबरा दुखी कर रखे है ते ई बात ने तो कत्ते दिखा जाओ हां छोटा ही कोनी ए मारो दी राइडो राज है मारो दी राइडो है और आगे जे मारे जीवता मान ले मारे पोता के राज आई को नहीं आ सके इज्जत किसाना की इज्जत के जाने वो ढाबा पर रेड़ो और कोपड़ा दोईड़ा के बेरो किसाना का My school. It's right. Please and change along my school. Thanks. This is our computer lab. We charge computer from charge center itself. This is our school for my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चोपटा में। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि किसान नेता राकेश टिकैत जो है वो आज चोपटा की इस पावन धरा पे पहुँच रहे हैं। तो चोपटा में पहुँचने से पहले मैं आपको पूरे वाइड फ्रेम में तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा कि किस प्रकार से राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए, उनको सपोर्ट समर्थन करने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में, भारी संख्या में व्हीकल जो है वो यहाँ पे, और ख़ास करके बात करूँ तो ट्रैक्टर जो है वो ज़्यादातर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और किसान, युवा किसान जो है वो देखिएगा एक एक ट्रैक्टर पे पांच पांच छः छः जो है वो सवार हो करके किस प्रकार से एक अलग ही हौसले जज्बे जुनून के साथ जो है वो राकेश टिकैत को सुनने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से काफ़ी अच्छी संख्या में साधन जो है वो, व्हीकल जो है वो यहाँ पे हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको कैमरा फिर से लेकर के आना चाहूँगा। ये युवा देखिएगा, इन युवाओं की तरफ देखिएगा कि अपने गाने, किसानी के गाने लगा करके जो है वो एक अलग ही संदेश देने का काम जो है वो लगातार इन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस तरफ अगर मैं आपको पूरे वाइड फ्रेम में दिखाना चाहूँ तो राकेश टिकैत के स्वागत को लेकर के यहाँ पे किसान जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो ये देखिएगा काफ़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत जो है वो यहाँ पे राकेश टिकैत का करने के लिए यहाँ पे जो है वो ढोल नगाड़े जो वो बुलाए गए हैं और नाच करके जो है वो राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए यहाँ पे लगातार किसान और किसान परिवारों से लोग जो है वो यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अंदर मैं आपको ले चलता हूँ, अंदर की तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि अंदर भी जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मौजूद हुए हैं। तस्वीरें देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे जो है वो एकत्रित लगातार किसान जो है वो हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि लगातार पिछले 60 दिनों के लगभग जो है वो धरना चल रहा है और इस धरने को समर्थन देने के लिए और धरने को एक हौसला, नई उम्मीद, नई उड़ान भरने के लिए राकेश टिकैत जो है वो यहाँ पे इस धरना के अंदर पहुँच रहे हैं और किसानों को गाइड करने का काम जो है राकेश टिकैत के द्वारा आज के इस महापंचायत के अंदर जो वो किया जाना है। क्योंकि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के, जिसमें अगर मुख्य तौर पे बात करें तो करीब 2022 के बीमा क्लेम की मांग को लेकर के लगातार जो है वो पिछले 60 दिनों के लगभग का समय हो चुका है किसान धरने पे बैठे हैं और लगातार जो है वो 10 से 12 दिन
भूख हड़ताल पे भी किसान जो है वो लगातार बैठे थे, लेकिन किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ। और इस धरने की आगामी रूप देने के लिए एक महापंचायत का आगाज जो है वो किया गया, जिसमें कि मुख्य रूप से राकेश टिकैत जो है वो इस महापंचायत में पहुंचने वाले हैं। चलिए, कुछ किसान मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, पिछले 2 महीनों से भी ज़्यादा का समय हो चुका है किसान धरना दे रहे हैं, बीमा को लेकर के और मांगों को लेकर के। आज टिकैत साहब आ रहे हैं, क्या उम्मीद है और क्या लगता है कि आगे कोई उग्र रूप धरना ले सकता है? सबसे पहले तो हम के हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि किसानों की कोई भी आवाज़ है जो खुल के जो है बोलता है। और आज आप देख रहे हो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और लाखों की संख्या में हमारे सारे किसान भाई हैं। जीत हमारी पक्की है और इस जीत का सबसे ज़्यादा श्रेय हम मातृशक्ति को देंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा इधर अपना कैमरा अगर घुमाओगे तो बहुत अधिक संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज आई हुई है। 2 महीने से जो हमारे किसान भाई यहाँ धरने पर थे, आज वो बात सिद्ध हो गई है। आज हमने सिद्ध करके दिखा दिया श्री टिकैत साहब को कि हम यहाँ पर थोड़े किसान नहीं हैं, लाखों की संख्या में हमारा यहाँ हजूम आज है और हमारी जीत जो है आज निश्चित और पक्की जीत है। ये पीछे अमित शाह आया था सिरसा में, उसमें किराए पर लोग लाए थे, उससे ज़्यादा तो बिना बुलाए आए हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा होगा इधर लुधेसर तक और इधर दरबा तक रोड जाम करके ट्रैक्टर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, और आज ये आंदोलन का एक जीत निश्चित है, इस पर मोहर लगा देगी राकेश टिकैत। किसानों मकसद वो है कि भाई जी मारसा के नहीं देखी हो रही है, नहीं बिंगा खतर वो सम्मेलन रखे तो किसान नेता मारो टके दान ला रहे है, बिंगा सम्मेलन भी मैं इकट्ठा मारी मांग बोलेगी इकट्ठा हो यहाँ भी मारी मांग है जी बा पूरी होनी चाहिए। आप देखिएगा पुरुष पुरुष नहीं बल्कि महिला किसान भी जो है वो इस धरने में अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। चलिए कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहती है। पुरुषों की संख्या मैंने आपको दिखाई और अभी तक जो है वो ये शुरुआत है, बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते के अंदर जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन अभी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये गुड़िया है जो कि काफी समय से एक्टिव रही है इस धरने के अंदर। गुड़िया, राकेश टिकैत आ रहे हैं, 60 दिनों से लगातार किसान धरने पे बैठे हैं, क्या लगता है आगे क्या फैसला होना चाहिए? आज फैसला होगा तो हक में होगा, या तो लाश जाएगी मरी और या जीत के जाएंगे। जब तक ना जीतेंगे इस धरने से नहीं उठेंगे और जीत के यहाँ से घर पे जाएंगे। ठीक है, तो कोई सुझाव जो है वो इस धरना पे दिया गया है कि आगामी जो है वो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? रणनीति तो सर जैसे आप चौपटा जाम करने की बात आ, चौपटा बंद है और जाम करेंगे, रणनीति ऐसी बनाएगी कि इस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। अगर पीएम बोल के आए हुए ये लाश जाएगी और यह हम आएंगे, लाश जाएगी और यह हम जीत के आएंगे घर पे। बहुत जो क्रांतिकारी विचार जो है इस गुड़िया ने दिया है, मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसान धरना में समर्थन करने के लिए आप पहुँचे, टिकैत साहब आ रहे हैं, क्या लगता है क्या नीति होनी चाहिए आगामी धरने की? सर हम यहाँ किसान की ही मतलब किसान ही यहाँ से जीत कर जाएंगे। हम अपनी मतलब जो हम अपनी हमारी मांगे हैं वो हम मनवा के ही रहेंगे। हाँ जी सर, पहले तो आपको मेरा नमस्कार। हम यही कहना चाहेंगे कि जो किसान है ये अपने जो भी है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए, और जब हम किसान भाई सब बैठे हैं तो हम जीत कर ही उठेंगे। जीने रोआ के करा बेचारा टावरा दुखी कर रखे है, आज 8 दिन तो धरने पर बैठे रहे, अपनो मारो हक खा गया, तो ये तो अटे बैठांगा जीत के जाऊंगा। 2 महीना हो गया था ये, अच्छा जीत्या को नहीं, 2 महीना लगातार 12 महीना कर दिया और के करो वो लिटावांगा, इब कर जीत के जाऊंगा। अच्छा, तो आगे वोट मांगना ये जद वोट मांगना होगा तो सोट की देंगा, गठड़ी बांध के दे देंगा। हाँ तो वोटांगे, अब कितना दुखी कर रखे मैंने, जमीन में ताके छोरो ये मारिए दाणू को नहीं करे खाने बंद रो के तेरा जाने वोट देगा वोट आएगा तो और ये ही बात है नहीं तो कच्चे दिखा जाओ। हाँ छोटा ही को नहीं, हाँ हाँ बक्सा ही को नहीं, क्या बात है, जमीन में तो छोरो आ गयो और मैं खावा के खर्चा जमीन पर लगा दियो, बिम्मो बुरवा लिया छोकरी है दूध गए और अब दूध काटियो नहीं बैठे लगा, अब यूं कर दो बिम्मा कर दो पुंछ कर दो दिखड़ कर दो अजबा कर पुंजी भाई ले गयो।
ठीक है, एक आंटी और है, इनसे बातचीत करते हैं। आंटी परना दे के बोलो। थे तो यहाँ को नहीं भाई, दो महीना धरना हो गया, मारो किसान 36 कौम एक सार हो गयो नहीं, तो आप भी कुर्सी छोड़ गए, भाजनो पड़ेगा मैंने, अब छुटा जाएंगे, रुकने की जगह कौन पावेगी, आई समझ में? दो महीना कौन सरकार मानी, तो अब मानेगी सरकार ही, मारो एक मिनट में मना देंगे, दारी कौन लगे, जब भाईचारो मन गयो किसाना को, और 36 कौम एक मन गई, तेंगे जड़ के है, मारो दी राइडो राज है, मारो दी राइडो है, और अगर जे मारे जीवता मान ले मारा पोता की राजा कौन आ सके, एंग आई कौन सके, एंग ही तो बेचड़ी सा, वो कह जाना किसी ना, ये इज्जत किसाना की इज्जत कह जाना है, वो ढाबा पर रेड़ो और कोपड़ा दोड़ा के बेरो किसाना का, जब दिन रात एक है, 36 किसाना की देखे, 36 कौम को सारे जगत को पेट भरे किसान है, और जगह सगा करके आगे तो बने ईसर माने पत्तो की हो डाकू बैठ जाएगा, हाँ ईब तो बैठ ही कौन सके। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो महिलाएं जो है वो काफी एक्टिव मूड में जो है वो हमारी माताएं हमें आज इस धरना पे जो है वो दिखाई दी हैं। खैर आप राकेश टिकैत जी के आने से पहले की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, किसान जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो क्या उम्मीद लेकर के आए हुए हैं, आगामी क्या रणनीति सोच करके आए हुए हैं, वो तमाम चर्चाएं जो है वो किसानों ने ऑन कैमरा जो है वो बताई हैं। खैर आने वाले समय में राकेश टिकैत आ करके क्या दिशा निर्देश देते हैं, धरना जो है वो आगे किस तरफ जो है वो बढ़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी विट्टू महल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।